जी तो आज की चैलेंज वीडियो है जनाब जी, जिसमें साग को तड़का लगाना है और ये हैं चार प्लेटियां जिसमें मसाले वगैरह मक्खन वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा सब बमों को अलग अलग करके, कि आप लोगों ने तड़का लगाना है साग को, जिसका बेस्ट तड़का होगा उसको इनाम मिलेगा। तो अम्मा जी ने यहाँ पे जी जज का किरदार अदा करना है और उन्होंने सबको एक एक प्लेट दे दी कि अपने अपने किचन में जाएं और इसको तड़का लगाएं, जो बेस्ट तड़का लगाएगा वो वाला होगा विनर। सब खवातीन ने अपनी अपनी प्लेट वसूल कर ली है और अब ये मज़ेदार किस्म का तड़का लगाएंगे साग को, जिसका बेस्ट तड़का होगा उसको 5,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो अम्मा जी ने सबको दुआएं दी हैं और रवाना किया है अपने अपने किचन में जाएं और मज़ेदार किस्म का तड़के वाला साग बनाएं। नंबर नहीं मिटाम नहीं भाई, सब तो बेस्ट है उस दिन तो तुसा लैन लावनी है एक। हाँ जी तो सलाम लावण दे, तो ये है और इनके हिसाब से ये है, मतलब मेजॉरिटी इसमें है, ये मेजॉरिटी इसमें है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अली विलाग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो गया और दूध मैं लेके आ चुका हूँ, दूध उबलने के लिए हमने रख दिया है। अच्छा सीन ये है कि बस आज जो हमारा नाश्ता है ना, मैं शायद विलाग ना भी शुरू करता लेकिन जो आज नाश्ता है ना सुबह सुबह वो है साग की रोटी के साथ, साग की रोटी सॉरी यार साग के साथ। ये देखें ये कटोरी में साग आया पड़ा है, ये हमारा बना है रात को, भाई मुनव्वर लोगों ने बनाया है और रात को मेरे ख्याल में सारी रात इसकी महफिल लगी रही है। हाँ। साग बनाने की। हाँ। हमारी सिस्टर आई हुई है ना, आपको ने पिछले वीडियो में देखा होगा, तो वो भी आई, उनको भी देना था, फिर इन रात को बनाया और ये हमारे पास आटा भी पड़ा है ना। हाँ। इतना ही पड़ा है, इसमें मिक्स करना है अभी, यानी कि हमारा चल जाएगा। हाँ जी, मकई की रोटी पकड़ी पी तो भाई साहब ना साग होना है, तो मोड़ तो पता बंदा है, दो चीज होने विलाग ना बना मोड़ कोई हालत ही नहीं। मैं विलाग शुरू करें मैं तो थोड़ा थोड़ा लुसाइने शुसाइने है ते हाँ हाँ ऐसे मेनू दिता जनाब जी मेरी बेगम ऐसा कर गिराएगा यार मेरे कपड़ों पे गिराएगा, अभी लाइट भी नहीं है। तो हम यहाँ पे मक्खन बना रहे हैं, जुरेस भी बनाएगा ये तो सारा, इस पे तो मुझे एतबार कोई नहीं है, ये तो मिक्स कर देगा हर चीज। खैर सुबह सुबह नाश्ते करते हैं, मक्खन बनाते हैं और साग भी बना रहे हैं और रोटी मकई की भी, तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए कितना शानदार किस्म का साग होगा, नाश्ता होगा सॉरी। मैंने भी AI से भी पूछा था, मैंने कहा हम साग करें, ओदी रफू डै पी हैं, AI दी रफू डै पी हैं, तो मुंड दस तिकड़ी वाग दी बोली हैं। देखा मेरी बना रही है भाई साहब उधर नाश्ता ये वाला, तो मैं इधर ना मक्खन बना रहा हूँ, असि मिल जुल के चलने हैं, बरकत होंगी है ये, हम तो सू गलत साइड से नहीं ले जाऊँ, तुम पॉजिटिव साइड से लैके जाना कि हाँ अच्छी बात है, बेगम की हेल्प करनी चाहिए, तुसे भी खेती करो, अगर पिछला पर चंगा गुजारना ही नहीं था। आप जैसे लोग होते हैं वेटर बने होते हैं वहाँ होटलों में होते हैं, तो क्या गिलास पेश कर रहे हो, और अब यहाँ घर में काम करते हुए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, तू तो जंग चा की आ गली पे नहीं बंद करा मैडम, पानी पिए मैडम, टिश्यू से उसका मुंह भी साफ कर रहे होते हैं मैडम का। नहीं हमें इतनी तू वीडियो बनाई भाई ना, पे ठीक है लड़ो लड़ो। मैं बड़ी कोशिश की है कि मैं लस्सी दे ना मक्खन काट ही दवा, लेकिन नहीं अखीर ही मैंने बेगम देना पै गया, हूँ काफी लेट कर दी, मैं घाटा शाटा तो कर ही लिया ही ना। सुबह सुबह लाइट चली जाती है अक्सर, बल्कि डेली चली जाती है, कभी कभी ना जाए तो ना जाए, डेली जाती है 3-4 घंटे। कहते पे मक्खन के रोड़े निकल आए भाई जी, हूँ साग खावन का ही स्वाद आना, रोड़े नहीं पेड़े। ये ना इस तरह इसलिए करते हैं कि इसमें से ना पानी निकल जाए, पहले मुझे नहीं पता था, फिर मेरे मक्खन में पानी होता था, फिर मैंने अम्मा से पूछा कि आप लोगों के नहीं होता, वो कहती कि ऐसे किया कर थप्पा कर अच्छी तरह, मैं थोड़ा सा करती थी, वो ज्यादा देर करते थे।
वो भी निकलता रहता है अंदर से। हाँ, ऐसे ऐसे करके ना, ये नहीं होता इसमें से पानी निकालना होता है। गोल तो फिर हो ही जाता है ना। हाँ। जिसको इतनी मार पड़ती है वो बेचारा गोल हो जाता। हाँ। है गोल तो हो ही जाता है, पानी भी निकल जाता है। उम्मी हबीबा अभी साग बना रही है, क्या आप बता सकते हैं कि साग कितना मजेदार होगा? अगर साग बना रही हैं तो यकीनन वो बहुत मजेदार होगा। साग एक रवायती पाकिस्तानी और जनूबी एशियाई मीठा होता है जो अमूमन दूध, चीनी और बाज़ार खुश्क मेवा जात से बनाया जाता है। ये तो कैसे हुआ, तो सही नहीं है। तरीका है तो वो शायद इसमें कुछ खास मसाले हैं या जायके। अच्छा जी, साग हमारा शुरू हो चुका है। मैंने ये ऐसे पूछने की कोशिश की, उसने गलत समझा है। तो इधर मसाले मसूले बन रहे हैं, उसने गलत नहीं समझा। आप बोले गलत हो, तेज बोले हो, उसको फिर लफ्ज की समझ नहीं आई। अच्छा, आपका मुंह तो नजर ही नहीं आ रहा ऐसे है? साग बना खड़ा है, ग्रीन हुआ खड़ा है सारा साग। हाँ। तड़का लग रहा है साग को। प्याज है, अदरक लहसुन है। भाई साहब, हमारा साग हो गया रेडी। हाँ जी, अब साग शुरू हो गए हमारे घर। हमारे भाई साहब, हम तो साग खा खा के जीवे तो नहीं खम दो तो सुने हो साग को साग हो गयो। लेकिन असी तो एक बार भाई साहब साग का इस्तेमाल हो गया हमारे घर। हाँ, हमारा ऑफिसर, क्योंकि जब हमारे हमारे बड़े घर में साग बन गया है ना। हाँ, तो समझो भाई साग हूं गियो, साग की कमी कोई नहीं, कमी हूं नहीं है। आया बेगम जल्दी कर, पराठा बना आज बस, हूं खा लिया, हूं नहीं रह सकीन, यकीन करो। ऑफिशियली भाई साहब साग लॉन्च हो चुका है। अच्छा, इसमें सारे आपको चीजें मिल जाती हैं, ग्रीन सब्जी है, आपको सारी खुराक बड़ी जबरदस्त किस्म की ना, प्रोटीन और मतलब क्या क्या फाइबर, फाइबर फाइबर गिलास ही मिल जाता है। जो मतलब उसका समय सकते हो ना, इसमें वो होता है। उत्तू जनाब जी, रोटी है मकई दी। उसके हाथ दे दिए, वो उसको पागल कर रहा है। ये एआई से पूछ रहा है, मैं खाना खाऊं के ना खाऊं। बंद कर दूं आग इसकी? हाँ, उसकी बंद कर दो साथ की। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह पढ़ो ना जनाब, इफ्तिताह हो गया ना। रोटी पे रखना है? वो थोड़ी साग रख दिया, साग तो महसूस ही नहीं होता पहले, मक्खन रख देते हैं। आए देखे ना भाई साहब, वाह करमा लिया, हूं सवाद बना सके, जिंदाबाद होए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। के जे अगे तह ना जेड़ा लाहौर नहीं गया, वो जमिया ही नहीं। तो हूं लाहौर किवें है? जो लाहौर नहीं गया वो खंगिया ही नहीं। जो लाहौर नहीं गया खंगिया ही नहीं। तो भाई साहब, जो साग नहीं खाता ना, वो पंजाबी नहीं।
वो तो बस अवेलेबल, बल्कि पंजाबी नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान की खुराक है, पंजाब की थोड़ी ही अब रह गई, सारे पाकिस्तान में खाते हैं, इंडिया में खाते हैं, सब खाते हैं, तो हम तो भाई बहुत खाते हैं। हाय 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 हाय, छोड़ दियो गलना, बस इतना कहना। हमारी बीवियां भी इंतजार कर रही थी, माई बहनें बीवियां भी, कि कब साग आए और हमारी जान छूटे। हाँ, एक के बारी बनाया थे, हफ्ता हफ्ता चलाया, सुबह दोपहर शाम साग। हाय हाय हाय, चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पकड़ो ऐसा लस्सी का गिलास है, साग मक्खन रोटी मकई की रोटी आए मिक्स किया इन तरह, तो ए वेखो भाई साहब क्या बहुत है भाई साहब। सारे दिल के अरमान जो ना आंसू में बह गए, यकीन कर लो। असल में ना जो शहर वाले बनाते हैं ना, वो बेचारे को साग सही नहीं मिलता। हाँ, इस तरह का होता है। लेकिन ये है कि ना, ये भी बातू शातू हम भी डालें ना, हमारा भी साग सा बना था। हाँ, बड़ा मजे का बना था साग। हाँ, भाई साहब आज एक चैलेंज होने जा रहा है। हाँ, जबरदस्त किस्म का। हमारे घर में ना कुछ खवातीन हैं, मतलब तीन तो भाभी हैं ना, ये हैं और हमारी बहन भी आई हुई है, तो आज जबरदस्त किस्म का कंपटीशन होने वाला है, बेहतरीन किस्म का। आप क्या याद करोगी? कंपटीशन ये है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर मैं सबको बुलाता हूँ, फिर उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। कंपटीशन ये देख लें, चार प्लेटों में ना हमने मिसालें रख दी हैं, जिसमें साग है, धनिया है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्ची है, सेम सेम सभी के अंदर है। चार बंदे हैं और साग तो है ना, साग साग ही तो बनना है ना, तो ये वाला सीन होना है, चार बंदों को चार प्लेटें देंगे, हर कोई अपने अपने घर में ये साग बनाएगा। हाँ, ये वाला। फिर एंड पे इसका टेस्ट करना है कि किस बंदे का टेस्ट ज्यादा है। टेस्ट किसने करना है? अम्मा जी करेंगी, हम खुद करेंगे, हम है ना, आप लोगों ने सिर्फ बनाना है। हाँ जी हाँ जी, तो ये भाई जबरदस्त किस्म का कॉम्पिटिशन होने वाला है आज। फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पर देखेंगे इस तरह का कॉम्पिटिशन, तो सब खवातीन को बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको उनकी प्लेट देते हैं, उन कहते हैं जाओ और बना के लाओ, मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कौन क्या बना रहा है। इसलिए इकट्ठा नहीं बना रहा है कि एक दूसरे को देख के ना बनाएं, हर कोई अपने अपने किचन बनाएगा, अपने हिसाब से बनाएगा। मतलब जो भी है ना, टेस्ट का पता चलेगा ना कि किसका टेस्ट रहता है, कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करके इसको टेस्टी बनाता है। चलो ठीक है, ठीक है। तो रोटी पड़ी है? नहीं, रोटी पड़ी, मांग लेना किसी से, अल्लाह के नाम पे रोटी ले लो। तो रोटी भी बनाते हैं साथ में और साग भी बनाते हैं, तो एक जबरदस्त किस्म का चैलेंज आप लोगों से शेयर करते हैं। तो लेट्स गो, कि मैं सबको बुला के लाता हूँ। चलो जी, ये जनाब जी हमारा फिल्म है पूरी, आज आज आप भी आ जाओ। ये तो है हमारी बेगम, सबको पता है। हाँ, वेलकम करो जी, हमारे सारे कंपटीशन वाले भी आ रहे हैं और जज साहब भी आ रहे हैं। जज साहब सबसे पहले जी आए जी, आए जी, वेलकम वेलकम वेलकम, बैठे यहाँ पे। वालेकुम, तू नाल सिक्योरिटी गार्ड है साढ़ा, ये इनकी बेगम है जी और ये हमारी बहन है जी। आ जाओ आ जाओ, ओ ओ भाई, हाँ जबरदस्त नहीं करना, जबरदस्त नहीं करना। चलिए हमारी भाभी आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए आ जाए आ जाए, चले जी आप हमारी खवातीन होगी पूरी। आ जाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, उठो उठो उठो, आ जाओ। हाँ दे, तू सब जाज तो सब बैठे रहो, और दे चल यार, आप बैठे जी, आप बैठे, आप भाई साहब ये तो बैठे हंस रहे हैं है ना, ये जबरदस्त किस्म का चैल। जाई साहब जरा आओ ना, क्या ठीक की थी कर गल कर, आई थे आओ ना जाई साहब। अच्छा हूँ सीन तो मैं थोड़े समझा देव, मैं वैसे अपनी ऑडियंस में समझा दिता है, हूँ जरा तुम्हें भी समझा देव। चार प्लेटों के बराबर बराबर असी मिसाला पा दिता है, साग बनावना हर बंदे अपने किचन च, इतने नहीं बनावना, तुसा सिर्फ प्लेटा लेनिया, हर बंदे अपने अपने किचन जाना है, मैं थोड़ी वीडियो उत्थे बनी रहा सा कौन कि बनी गलती है, ठीक हो गया। मुड़ आ के प्लेटा थोड़ा सा रेडी हो जाना, साग लैके इतने आ जाना ऐसी जगह पर। अच्छा, ये हाँ हाँ, ये अपने खराब करी
जिस बंदे दा कंपटीशन दे विच सब तो टॉप क्लास आया, जिस बंदे दा टेस्ट दे हिसाब 1000 रुपए इनाम नकद। अरे गरीब दौर यार, खुदा दे हाथ है। अच्छा अरे नहीं भाई साहब, आए हालत हो गई है इनाम दे वास्ते 1000 दी औकात दी कोई नहीं, बंदे रज गए लगदा ना अम्मा इयां नहीं है। ओ यार एक चीज दी कमी है मेरे, मक्खन कोई नहीं, मक्खन पे दे, मक्खन पे डाल। तू फैसला कर कितना इनाम होना चाहिए, मेहनत कदी कदी हो जाए चांस मिलता है रख के हाथ लावी। मैं ठेके हां। अच्छा एक और कर लेनी है, रुपया 5000 रख लेनी है, जेड़ा बंदा चौथे नंबर ते आया ओ 1000 रुपए वापस दे सी। तैयार हूं ये तो मैं हक के ना नहीं नहीं आखिर जरा चौथे आवे उस कम अज कम इतनी पनिशमेंट होनी चाहिए अपना टेस्ट इंप्रूव करना चाहिए। मैं इसे पर 5000 नहीं उसने रखे उसने 1000 मेरा दिल तांदे विच दे दरमियान ने जटा रख लो रख लो ओए 5000 नंबर 1 ने वो तो पैया नहीं केंद्रमियान ने जटा रख। हां जी मुझे भी ऐसी कोई फीलिंग आ डन 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 हो गया जी 5000 हां 5000 5000 चौथे नंबर ते आसी ओ 1000 रुपए वापस करे सी जुर्माना है ओनु जुर्माना है यानी 1000 रुपया। हां अगर अगर जुर्माना नहीं करना गल सुनो है, अगर जुर्माना नहीं करना तो मोड़ जुर्माना कट देने है तो 2000 रुपए मिल सी जेड़ जीत गया नहीं नहीं 1000 उस ने नहीं देना जेड़ा चौथे नंबर ते हर होई सी जेड़ा सब तो ना लायक होसी उस 1000 जुर्माना है जेड़ा जेड़ा 6000 निकले पड़े हो। नहीं 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 मैनू यकीन है खुदा दी बंदी नहीं 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 मैनू यकीन है असि प्लेटा तुहाडे सामने शफल कर सां शफल करके मिक्स हो जासे निशानियां सी ला लेसा के फलाने दी फलाने दी फलाने दी अम्मा नु उना निशानियां दा कोई पता नहीं होना सिर। हां अम्मा नहीं 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 गल सुन त्रै बंदे फैसला करे से सदाकत अम्मा ते वसीम ठीक हो गया त्रै बंदे दे जिस दे सब ज्यादा वोट गया जिस प्लेट उसकी बेगम है अंदर उस नु कोई नहीं पता होना उस नु कोई असि प्लेटा सेम सेम रखनी है ना साग वाली प्लेटा साडी सेम है प्लेट दा कोई निशानी थोड़ी छोड़ना आए वेंदे पे जड़ी आए वाली प्लेट आए आए वाली प्लेट आवे ने पे आए अच्छा प्लेट नहीं नहीं आप असि क्योंकि मैं फैसला विच कोई नहीं आना ना मैं प्लेटा मिक्स कर ली सा अपनी मर्जी नाल निशानी मैं ला ले सा मैं वीडियो बकायदा बनी सा वो ही बनवाना है ना है ठीक डन हो गया जी अम्मा हाँ मक्खन हर बंदे को मक्खन भी दिया जा रहा है साथ साथ ये देखें जी। अच्छा जी ये थोड़ी सी तब्दीली हुई है हमारे कुछ एटम्स काम थे हम इसमें ना हमें आइडिया नहीं था सही तरह ना। अच्छा अब ये चीज़ हो गई है धनिया है साग है प्याज है टमाटर है अदरक है ग्रीन चिली है और मक्खन है सेम सेम सब का है ये देखें सेम सेम और ये है कंपटीशन और ये है कंपटीशन के जवान आ हा 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 बल्ले 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 हाँ निशान बरम रखी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो जी हाँ हाँ जी इधर दे दो इधर जिंदाबाद।
आज इम्तिहान पहली बार इम्तिहान है अम्मा अम्मा सारे शाप शापई देने ये तो फर्क कितनी खेली आसे तेरे नाल हर बंद अपने अपने घर च नस जाओ बाबा चले जी सब लोग जा रहे हैं जी देखते हैं जी मजेदार किस्म का ओए 40,000 तो अपना काम कर बस टाइम बने दो दिन बना लें चलो जी बना मैं अभी अभी आ रहा हूँ सबके तरफ आ रहा हूँ मैं यरी हरी ओए 40,000 साग बनाओ यार साग बना चलो जी बनाओ जी बिस्मिल्लाह करो इधर जा रहा हूँ सदाकत बेगम नू ना एक रोटी दा आटा दे दे तो असी को लेके अच्छा हाँ भाभी को लेके ना एक रोटी दा आटा ले वाई पड़ा है चलो जी चलो आप लोग पहुंचो मैं आ रहा हूँ ये लोग जा रहे हैं और इधर मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ इधर क्या हो रहा है कार्रवाई भाई मुनवर की बेगम की तरफ देखते हैं क्या क्या कार्रवाई डाली हुई है अच्छा अभी तक नहीं ये वाला काम नहीं होना ये काम बिल्कुल नहीं करना ये इसको सेपरेट रखना जो चीज दी है ना हाँ ये डालो ये आपको दिया है ये डालना है हाँ जी इधर मैं आ चुका हूँ इधर वाला बंदा कभी शुरू नहीं हुआ अभी एक बंदा तो पकड़ा गया कैसे ये लेके फिरता था बुकिंग हाँ मैंने गलत मैंने पत्ते हाँ मैंने कहा जब ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था भाई आप ये भी ये किसी को भी नहीं दिया ना किसी को भी नहीं दिया उसके बाद आपने मेडाडा घी भी नहीं दिया जो हमने पहले इसका तड़का लगाना चलो वो तो लगा लेना इधर से कोई उसका इशू ये बड़ी चीज जो है ना ये नहीं डालनी ये मैं अपने हाथ के अंदर नहीं है हाँ चूंकि है ही नहीं ना जो चीजें दी है बस प्याज ही डाला बस ठीक है इधर दूसरे घर में आ चुका हूँ यहाँ पे देखते हैं जी भूखे मेरे हाथ में है बैठा है हाँ जी इधर कोई कार्रवाई शुरू हुई अभी अभी तक तो मेरे ख्याल में यही पड़ा है कोई चीज अपनी तरफ से नहीं डालनी नहीं अपनी तरफ से क्या डालनी हाँ कुछ भी नहीं एक बंदे की तरफ से मुझे पकड़ा गया ना ये बंदा ये भूखे लेके फिरता था साहब कोई भी हो वीडियो देख लेना अच्छा जी ये भाई साहब लगा रहे हैं मैं चक्कर लगा के हूँ उधर अपनी बेगम की तरफ अब अपने किचन की तरफ आ चुका हूँ और इन्होंने अच्छा फ्राई होना शुरू हो गया हाँ, सब लग गए हैं सब लग गए हैं चले जी इधर दौरे छोटे में पिटाई हो रही है इसकी हाँ, इसका टाइम नहीं हाँ। था। चलो ये भी मैं उधर चलता हूँ पहले वो देख के आता हूँ कोई चीज एक्स्ट्रा ना डाल दे कोई कोशिश मैं कर रहा हूँ कि नमक मिर्च अच्छा हाँ। चलो देखते साग के लिए सारी चीजें पूरी हैं जो हम यूज करते हैं चलो ये है जी इधर भाई मुनव्वर की तरफ हाँ जी अच्छा इधर शुरू हो गया काम है धनिया मिर्चें टमाटर काट दिए चलो जी इधर इसको देखते हैं इधर वाली क्या कर रही है हाँ जी हो गया आप सबसे ढीली है बाकी सारे काम अर्धा कीती खले कीती खले ये भी प्लस पॉइंट होना है चलो नहीं नहीं वो तुसी आके टाइम थोड़ी मर्जी दा नहीं नहीं वो गल ठीक है लेकिन फिर भी बंदे नु कुछ चलो जी हाँ। भाई मैं नवी है किचन नवी सामान नवा अच्छा अच्छा चलो ओके नो प्रॉब्लम हां जी हां चलें जी भाई सब इन्होंने क्या क्या काट लिया धनिया भी काट ली है मिर्चे भी काट ली है और प्याज भी काट के डाल दिया हां जी बिल्कुल मेरी मर्जी ठीक डन हो गया हम इधर आ चुके हैं और इधर तो अभी भाई साहब ना तेल डाला है ना प्याज सड़े हैं ना कुछ भी नहीं हुआ अभी कुटाई फटाई हो रही है ये इसमें 2 मिनट लग रहे पीस के बनने हाँ हाँ चलो ठीक है मैं वैसे दिखा रहा हूँ कार्रवाई अभी तक इन्होंने मिर्चें प्याज कूट रही हैं ये वाले और ये चीज़ें भी ऐसे ही पड़ी हैं अच्छा हर बंदा अपना अपना तरीका लगा रहा है हर बंदे का अपने अपने गोर रहे हैं कोई कूट के डाल रहा है कोई वैसे डाल रहा है कोई वैसे डाल रहा है आप लोग देख रहे हैं वीडियो अभी चलते हैं घर वाली साइड पे वो क्या कर रही है तो मसाला शाला पे सब रेडी हो चुके हैं आपने क्या क्या डाल दिया भला नमक मिर्च और अदरक लहसुन धनिया सब डाल लिया हाँ। आपकी धनिया ग्रीन अभी पड़ी अभी पड़ी अभी ये नहीं डाला मेरा ये प्याज बच गया मैंने थोड़ा प्याज डाला है अच्छा अच्छा वो तो आपकी मर्जी है अदरक भी थोड़ी सी डाल ली है टमाटर भी आधा डाला है बस ओके अच्छा जी नहीं सब अच्छी ये भी डाल दिया इन्होंने चलें जी मैं चलता हूँ आगे उनकी कार्रवाई देख के आता हूँ हर बंदा अलग अलग मेथड लगा के खड़ा है ये तो है हाँ। ये चीज नोटिस की है कि सब बंदे का अपना अपना मेथड है भाई मुनव्वर की तरफ आ चुका हूँ अच्छा इन्होंने भी मसाले मसूले डाल लिए और
फ्राई हो चुका है। अच्छा बस अभी आपने साग डालना है ना। ये इन्होंने साग भी डाल दिया है जिंदाबाद। चलें जी, इनका तो मेरे ख्याल में फाइनल प्रोसेस है। तू तो बेटी के सिर ते खली है, पुराने गौर को लें दे पे हो रल के। अच्छा जी, हाँ जी जिंदाबाद। ये भी फ्राई कर लिया इन्होंने, अभी साग नहीं डाला। एक बंदे ने साग भी डाल लिया है, देख ला। नहीं नहीं, चूल्हा तो साग भड़कता भी है, चूल्हा तेरा भड़कता भी है। जिंदाबाद। इधर साग की वैसा तड़का इधर भी शुरू हो चुका है और रोटी भी बन रही है साथ में यहाँ पे। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इनका भी साग नहीं डाला, इनका भी ये इन्होंने प्याज डाल ली है, मिर्ची डाल ली है, पता नहीं और कुछ डाला है। लहसुन लहसुन भी मेरे ख्याल में डालना पड़ा, ऐसे ही ना। टमाटर आपने नहीं डाला, अच्छा भी डालना है आपने, ठीक हो गया। और इन्होंने साग बना लिया, रोटी बन रही है अब यहाँ पे फाइनल है, डन हो गया। चलो जी, इनका भी साग रेडी है, उनका भी साग रेडी है। ऐसा भाई मुनव्वर की तरफ हम आ चुके हैं और हमारी इस पापी ने तो ओ माशाल्लाह भाई साग इधर तो रेडी हो चुका है। बल्ले 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 बल्ले, जिंदाबाद। चलो जी माशाल्लाह, इनका भी साग मेरे ख्याल में रेडी हो गया। रोटी पकाओ आटा जी। भाई साहब इधर तो साग भाई रेडी हो चुका है और रोटी मेरे ख्याल में अभी नहीं पकी है, रोटी भी पक रही है। सब ने तकरीबन सब ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली और फाइनल अब है टेस्ट का टाइम। तो टेस्ट करवाते हैं तीन बंदों को, वसीम, सदाकत और अम्मा जी। तो शफल मैं करूंगा ताकि इनको भी पता ना हो कि किसका है, क्योंकि नहीं तो दवाई रख लेनी है, ये तो बैठा ही से वास्ते। अच्छा लग पा ही पता, आज आपके प्यार का पता लग जाता है आप दोनों में से। जिंदाबाद। ए फड़ा गया, ए फड़ा गया, ए झाकड़ा यार। मेरे जेन में ने एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का कंपटीशन आ गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे, देखते हैं कि वो कैसा बनता है। अभी मैं बताता नहीं, ये बैठे ऐसा करें मैम करेंदा। अच्छा भाई साहब, फाइनली जनाब दो बंदों का साग रेडी हो चुका है, उसके ऊपर नंबर लगा देती इधर आ गई। ये अजीजा, ये है जनाब जी हमारी मुनव्वर की बेगम, और ये है जनाब जी हमारी बहन। आ चुके हैं ये सदाकत भाई की फैमिली पूरी आ चुकी है। गुलाम फातिमा है भाई सब, किरण ठीक हो गया, डन हो गया जी। आ जाओ अपने अपने बंड लेके, आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबके नाम लिख दिए मैंने प्लेट के ऊपर, ये हैं जनाब जी चार नाम लिखे हुए ना आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं नंबर लगा रहा हूँ, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ना इधर भी नंबर लगा देते हैं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, डन हो गया, पक्का हो गया। अब हमने इनमें से निकाल के इन नंबर वाइज डालने, नंबर वाइज डाल, मैं समझ गया हूँ। अब आपको डालो ताकि ना शक न रहे किसी का ना, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर एक है ये, हाँ इसमें से आप अपने मिक्स करके डालना है। ये जनाब जी ये साग है, इसमें डाल नहीं नहीं थोड़ा डालना चम्मच के साथ, ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा ना ज्यादा का ना आइडिया हो जाता है। अब मिक्स करो, रेडी करो, चाल दे ठीक हो गया। दो नंबर दो चाला, ये आसिया का है ना, इसमें डाल मिक्स करके, मिक्स करके डन होगी जी। इसको भी साइड पे रख दिया, नंबर चार और तीन रह गए, तीन डाल इसमें।
फोर चार, हाँ नंबर चार, नंबर चार आपने इसमें डालना है। चलो ये भाई साहब अब आपको समझ लग गई, समझ लग गई, समझ लग गई। अब बेईमानी तो कोई नहीं इसमें, कोई बेईमानी। हाँ अब रोटी एक में डाल लो सारी ना, मिक्स कर लो इधर, ये भी है एक, ये भी है, इसको रहने दो, ये घी वाली है, दो रोटी काफी है। सर फैसला करना है साकर पे किसने अच्छा, किसने अच्छा बनाया। हाँ अब नंबर भी लग गए, सारा कुछ हो चुका है। अब सालिस कौन है? सालिस से बताता हूँ, बैर ले आओ। आर यू रेडी? रेडी 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 रेडी, चलें जी ले आए जी, ले क्या भाई ले क्या, ऐसे नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार। ये भाई सब चार साग हो चुके हैं। यार तेरे से नहीं पूछना, तेरे से नहीं पूछना, तेरे से नहीं पूछना। अच्छा जी आप लोग चले जाओ भाई साहब, आप लोग चले जाओ, बैठो अंदर, जाओ जाओ अंदर बैठो, गपशप करो, जाओ आप लोग जाओ अंदर गपशप करो भाई जाओ। तो भाई साहब फाइनल अब हमारा डिसीजन आ चुका है, हमारे पास है जज, तीन बंदे। मुनव्वर आप बैठ जाओ इधर, इधर बैठ, मैं तो जज नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे तो पता है। हाँ आप इधर आ जाओ ना, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो भाई, हाँ जी सबसे पहले कौन टेस्ट करेगा? अम्मा कार बैठे है, चल अम्मा ए पेंसिल है, जिस प्लेट तेन ज्यादा मजेदार लगे, जिस प्लेट का उसके एक लाइन ला देनी है इतने दीवार इतने इस तरह, ठीक है एक लाइन। हाँ जी हाँ जी, बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर, शुरू कर, मैं इतना इंतजार नहीं करना, वेंदी की पई है। हाँ हाँ मैं तेरी तबीयत खराब लगती है। अच्छा बिस्मिल्लाह कर, हाँ जेड़ा साग तेन ज्यादा अच्छा लगे तेरे हिसाब है, क्यों जा चम्मच लेके इधर अंदर से। हाँ जी बैठ जी बैठ जी बैठ जी, नहीं अपने हिसाब का खमसी ना, ये ना आखे भी। चलो हाँ ओए हट रख, तू रख जा इधर, हट 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 हट। हाँ जी हाँ अपने अपनी पसंद तो ये सारे शुरू हो गए जी। ओए ए नंबर नहीं मिटावने, नंबर नहीं मिटावने भाई, ईमानदारी वाला तो देना, मतलब जो थोड़े जन पसंद आए। हाँ जो सब तो बेस्ट है उस दे तो तुसां लैन लावनी है, ठीक जिस प्लेट की तुहानू सब तो ज्यादा अच्छा लगे। ओए हाँ जिथे सलाउन लावण दे, यार बस ठीक लग गई, हाँ लाइन लगनी सही ना, चल बंद कर दे उसमें। ये तो भाई सब रोटी चाह के ना शुरू है, बह जा यार पीछे मुनव्वर चुप करके आराम नाल, बिल्कुल नहीं बात करनी किसी किस्म की। टेस्ट करना तुसा दोबारा भी टेस्ट कर सकते हो, मतलब लैंड लावण तो पहले तुसा अपना टेस्ट कर सकते हो, जिस तुम छाके पाके काचे तुस उस हिसाब में टेस्ट करते हो। टाई भी ना हो जावे हैं, तो दो दो वोट करा लो ना, एक बंदे का और वोट करा लो, बस जरूरी है तो पसला, चलो किस्मत पूरी हो गई। ये ना ये तो रह गया, ये हाँ तीन नंबर जो है ना ये तो रह गया है, बाकी में से फिर फाइनल कर लेते हैं, बाकी में से भी एक फाइनल करते हैं, एक एक बार चेक करके ना। हाँ हाँ ये कर लो, इन तीनों में से आप एक दफा फिर टेस्ट कर लो, उनमें से एक को आप फिर फाइनल जो देना चाहते हैं कर लो फाइनल एक और, यार चलो फिर भी इन पे डिपेंड करता है यार, इन्हीं पे रख लिया फाइनल। ये
ये क्या बात है। हाँ। अच्छा दूसरी बार भी यही सही है। ए सुनी करने से मन नहीं कर। ए तो रह गया, त्रय नंबर तो रह गया। दो डिसाइड कर ला जेड़ा करना। तो जीत गया मेरे वास्ते आया। अच्छा अम्मा का बजाया हो गया। अम्मा दा आया हो गया फिर तो जीत गया ना। नंबर 4 आ रहा है। ए ए सारी चीज ए दिहाची से पूरी है। दो नंबर भी। अच्छा जी अम्मा के हिसाब से ये है और इन दोनों बंदों के हिसाब से ये है और इनके हिसाब से ये है। मतलब मेजोरिटी इसमें है। ये मेजोरिटी इसमें है। ये वाला जो है ना 4 नंबर ये विनर है। अच्छा जाएं भाई साहब लेके आए प्लेटें लेके आए प्लेटें लेके मिनट मारे देखते हैं नंबर कौन किसका है। जी फाइनली डिसीजन हो चुका है और अम्मा जी दरो साइड पे होना। अच्छा जी तो ये बहुएं भी सारी आ चुकी हैं और इनके साग भी सारे टेस्ट हो चुके हैं और अभी आप सबके लोगों को पता बता दूं मैं जिसके ऊपर ज्यादा लाइनें हैं जिस प्लेट के ऊपर ज्यादा लाइनें हैं वो विनर है और जिसके ऊपर लाइन नहीं है वो सबसे वो जीरो उसका सबसे निकम्मा है। अब ये बड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ सबको पता जो देखने वाले हैं उनको भी आइडिया। अभी प्लेट देखते हैं। अच्छा जी ये है नंबर 3। 3 नंबर है ना। 3 नंबर है और ये है किरण। जो 3 नंबर है ना ये किरण का है। इसको किसी ने भी नहीं पसंद किया। इस पे एक लाइन भी नहीं लगी। ये हो गया जनाब जी इसके साथ। और सबर कर दिया सबर कर सबर। ये है 1 नंबर। ये हबीबा का है। एक बंदे ने इसको लाइक किया है। एक बंदे ने ये इधर रख दिया। ये है 2 नंबर और 2 नंबर है ये वाला। इसको 2 बंदों ने लाइक किया है। आसिया का। ये हबीबा को 1 ने आसिया को 2 ने और किरण का 0 पे खड़ा है। और द विनर ऑफ दिस अजीजा मुनव्वर दी बेगा जिंदाबाद। यस माशाल्लाह ग्रेट गुड। हाँ जी कैसा लगा। हाँ जी कैसा लगा। और विनर जो है भाई साहब सबसे वाह भाई वाह 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 तेरे बल्ले बल्ले हो गए। तीसरे नंबर पे नहीं 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 ये जो इनाम है ये मिलना है विनर को। जो हारा है उसने देना है 1000 रुपया। हाँ मजे की गल सारी कलम छोड़ो। जेड़ा बंदा 2 साल हो गए ना अपने बेगम के हाथ का कम दा उसने ये भी नहीं पता कि मेरी बेगम का केड़ा है। कम अज कम ये फेवर ही कर देना। एक लकीर भी नहीं मार सका। ये हालत कम अज कम बंदा एक लकीर ही मार देता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। सब लोगों ने एंजॉय किया। आप लोगों ने भी एंजॉय किया। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। नेक्स्ट भी मुलाकात है। तब तक दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज।